नमस्कार, मैं भारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं तरुण वत्स लेकर हाजिर हूं अब तक की टॉप खबरें। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच के सामने सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से दलीलें पेश की गयी। शिया बोर्ड के वकील ने विवादित स्थल पर मंदिर बनाए जाने का समर्थन किया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने मांग की कि मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बनाई जाए। सिब्बल ने कोर्ट से यह भी मांग की कि मामले की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की जाए। सुन्नी बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी मामले से जुड़े सारे दस्तावेज पेश नहीं हो पाए हैं। इस पर यूपी सरकार के एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट में सारे कागजात जमा हैं। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार मामले की रोजाना सुनवाई के पक्ष में है। सुनवाई कर रही स्पेशल बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल और राजीव धवन हैं, तो रामलला के वकील हरीश सालवे हैं। विशेष सीबीआई अदालत 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके की राज्यसभा सांसद कनी मोझी भी आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई के स्पेशल जज ओपी सैनी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े 2 अलग अलग केसों की सुनवाई की थी। एक की जांच सीबीआई कर रही है तो दूसरे मामले की जांच ईडी कर रही है। कोर्ट में 26 अप्रैल को इस मामले में अंतिम बहस हुई थी। सीबीआई के मुताबिक ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में गड़बड़ी की, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में तबाही मचाने के बाद ओखी तूफान अब महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। मंगलवार देर रात तक वह गुजरात के तट से टकरा सकता है। तूफान के असर से दोनों राज्यों के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई में मंगलवार को बारिश के साथ ओले भी गिरे। बता दें कि चक्रवाती तूफान ओखी मुंबई से दक्षिण पश्चिम की ओर 670 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी तरफ चुनावी राज्य गुजरात में ओखी की वजह से चुनाव प्रचार पर भी असर हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 3 रैलियों को रद्द करना पड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह लगातार इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वह मासूम हंसी और माथे पर लापरवाही से लटकते घुंघराले बाल, शशि कपूर की यह छवि मंगलवार को उनके लाखों फैंस के मन में अपने समय के इस सबसे जिंदा दिल हीरो की अंतिम विदाई के साथ हमेशा के लिए जज्ब हो गई। मुंबई में मंगलवार दोपहर बारिश और नम आंखों के बीच जाने माने बॉलीवुड एक्टर शशि कपूर को अंतिम विदाई दे दी गई। शशि कपूर को विदा करने बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। शशि कपूर के साथ एक दर्जन से ज्यादा फिल्में करने वाले उनके करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अंत्येष्टि स्थल पहुंचे। शशि कपूर के बेटे करण ने अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। शशि कपूर की अंतिम यात्रा में शाहरुख खान, सैफ अली खान, नसीरुद्दीन शाह समेत कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल रही। भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट के चौथे दिन भारत की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। चाय तक भारत के 4 विकेट गिर गए। इसके बाद कप्तान कोहली और रोहित शर्मा ने पारी को संभाला और तेजी से रन बटोरे, लेकिन कोहली अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद कैच आउट हो गए। फिलहाल भारत ने 5 विकेट खोकर 236 रन बना लिए हैं और उसके पास 399 रन की कुल बढ़त हो गई है। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 373 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम के कप्तान दिनेश चंडीमल ने 164 रन बनाए, जो टेस्ट करियर का उनका निजी सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।